लेकिन दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में मैं आपको डिटेल्ड जानकारी दूंगा, वो भी यूट्यूब पर लाइव आकर। लेकिन कोई टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं लाइव ना आकर आपके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक एक जानकारी मैं आपको टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड दूंगा। कोई भी प्रकार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, आपके सारे के सारे डाउट आज क्लियर होने वाले। नंबर एक, टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, इसका कैसे इनरोलमेंट होगा, इससे फौजी कैसे बनेंगे, ये 4 साल के लिए है या परमानेंट है, इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं, सबके बारे में हम बातचीत करेंगे। नंबर एक, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर हमारी नौकरी 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, क्या ये टूर ऑफ ड्यूटी हमारे ऊपर लागू होगी? बिल्कुल भी टूर ऑफ ड्यूटी आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर है, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में है उनका टूर ऑफ ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट में यह आता है कि जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या टूर ऑफ ड्यूटी उनके लिए लागू होगी या नहीं होगी? आपके लिए भी टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं है, आप पुराने पैटर्न के अनुसार ही आपका एग्जाम होगा और आपकी भर्ती भी पुराने पैटर्न के अनुसार ही होगी। अब आइए थर्ड पॉइंट, टूर ऑफ ड्यूटी किसके लिए लागू है, हर साल इसमें कितने फौजी भर्ती किए जाएंगे, टूर ऑफ ड्यूटी वालों को क्या कहा जाएगा, उसमें जाने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और साथ ही साथ जो टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से भारतीय सेना में जा रहे हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर एक, गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है कि आपको पता है आज हमारे देश में करीब 65 लाख फौजी पेंशन ले रहे हैं और जो 65 लाख फौजी पेंशन ले रहे हैं उनको बजट को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। 13 लाख आर्मी प्लस 65 लाख रिटायर्ड आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो फौजी हैं वो पेंशन ले रहे हैं, इसका मतलब डिफेंस बजट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। उस बोझ को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को लागू किया जा रहा है। अब वो बोझ कैसे कम होगा, आपको पता है कि 70% डिफेंस का जो बजट है वो सैलरी पे प्लस पेंशन पे चला जाता है और बाकी का जो 30% बजट है वो सेना के रखरखाव में चला जाता है। यानी हमारे देश की सेना को, आर्मी को मॉडर्न करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता है। आपको पता है कि हमारे दो पड़ोसी देश, दोनों हमारे कट्टर दुश्मन है, चीन और पाकिस्तान, हमारे अगर पड़ोस में आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नेवी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो जरूरी है भारतीय सेना को भी मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो भारत सरकार ने सेना को आधुनिक करने के लिए बहुत सारे हथियार खरीदे हैं, जिसमें टैंक भी शामिल है, जिसमें एयरफोर्स के राफेल्स भी शामिल है, आर्टिलरी की मिसाइल्स भी शामिल है, S-400 भी शामिल है, बहुत प्रकार के इक्विपमेंट और हथियार शामिल है। अब साथियों, टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, उससे आपका लेना देना क्या होगा, कैसे इसकी भर्ती होगी? हाँ, आज आपको पता है कि हमारी सेना कुल 13 लाख हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये 11,95,000 के आसपास बच चुकी है। अब 11,95,000 फौजी हमारे पास है तो करीब करीब पिछले 2 साल से जो भर्तियां नहीं हुई है उसमें 1,25,000 फौजी तीनों फोर्सेस को मिला के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कम हो चुके हैं। अगर 1,25,000 फौजी कम हो चुके हैं तो समझिए आप, सेना के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। और 1,25,000 की फौजी कम करने का, ये कोविड तो एक बहाना था, डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, उस बोझ को कम किया गया। अब टूर ऑफ ड्यूटी के लिए होने वाला क्या है कि हर साल 50,000 फौजी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिए जाएंगे, जिनको 4 साल के लिए भारतीय सेना में रखा जाएगा, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में 3.5 साल की उनकी नौकरी होगी। ये 4 साल के बाद जब वापस आएंगे तो इनको 10 से 12 लाख रुपए पैसा मिलेगा और साथ ही साथ इनको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है, इनको मिलने वाला है एक्स सर्विसमैन का कोटा। मानिए कि मुझे आज 4 साल सेना में जाना है और एक ट्रेंड सोल्जर होके मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे एक्सर्विसमैन का कोटा मिल गया तो मैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्य हूं। यानी मेरे पास में एक बहुत बढ़िया ब्रह्मोस्त्र आ चुका है एक्सर्विसमैन कोटे के नाम से।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहना चाहेंगे कि 4 साल हम फौज में भी सेवा कर लेंगे, जैसे लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं और उसके बाद में वो अपना सेकंड करियर ऑप्शन देखते हैं, तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है। दूसरा, उसके बाद भी अगर वो लोग सर्विस में रहना चाहेंगे तो 4 साल के बाद में उनका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर योग्यता परीक्षा में वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए वो एक्सटेंड हो जाएंगे और उसके बाद फिर एक टेस्ट होगा जिसके बाद उसको सैनिक को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये लोगों के अंदर गलत भ्रम डाला जा रहा है कि केवल 4 साल के लिए आप लोग भर्ती होंगे, उसके बाद आपको जैसे आप सेना में गए थे और वापस आ जाएंगे। बहुत सारे मेरे छात्रों का ये कहना है कि सर 4 साल के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे और 4 साल के बाद अगर हमें वापस आना तो सेना में जाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाली है, वो आपकी इच्छा है, गवर्नमेंट के पास में दोनों है, ऑप्शन रहेंगे। अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी में भी जा सकते हैं, और अगर आप परमानेंट आर्मी, एक्टिव आर्मी में जाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपका खुला है, वो बंद नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी में एज रिलैक्सेशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक्टिव आर्मी में एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, नेवी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब सेना में आंतरिक बदलाव है क्या? बहुत बड़ा बदलाव ये होने वाला है। आपको पता है कि एयरफोर्स की जो कमांड है वो 7 है, नेवी की कमांड 7 है, सॉरी, नेवी की कमांड 3 है और एयरफोर्स आर्मी की 7-7 कमांड है। इस तरह से टोटल जो आपकी कमांड है वो 17 है और 17 कमांड को बदली करके 4 कमांड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये 4 कमांड कौन कौन सी होंगी? एक कमांड होगी नॉर्दर्न कमांड, जिसका मुख्यालय लखनऊ हो सकता है। दूसरी कमांड जो होगी वो पश्चिमी कमांड होगी, जिसका मुख्यालय जयपुर में हो सकता है। तीसरी कमांड जो होगी मैरीटाइम कमांड होगी, जिसका दक्षिण भारत में मुख्यालय हो सकता है। और चौथी कमांड होगी वो एयर डिफेंस यानी एडी कमांड होगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज के रूप में डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, साथ के साथ उसमें सारे वो इक्विपमेंट, सारे वो हथियार डाले जा रहे हैं जिससे हमारा लड़ाई के अंदर बहुत अहम रोल हो सके। आज आपको पता है भारतीय सेना विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में से है, लेकिन हमारे पास में इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हथियार नहीं है। अगर देश की सेना को मजबूत बनाना है, देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना है, तो देश की तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टूर ऑफ ड्यूटी का मैं सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी अगर आप 4 साल के लिए जाना चाहेंगे तो भी बेटर है, और आप परमानेंट जाना चाहेंगे तो भी आपके लिए ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं। ये गलत किसी ने आपको गाइड कर दिया कि मैं 4 साल के लिए सेना में जाऊंगा, उसके बाद मुझे सेना से बगैर किसी पेंशन के, मेडिकल फैसिलिटी के, कैंटीन फैसिलिटी के वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होने वाला है अगर आप 4 साल सेना में जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज एक ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट एक लड़का हो, अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसके पास में किसी तरह का कोई भी स्किल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो उसको 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। वहीं पे अगर एक 4 साल का ट्रेंड फौजी अगर आए और उसके पास में अगर एक सर्विसमैन का कोटा हो, साथ के साथ और बहुत सारी फैसिलिटीज हो, तो उसकी लाइफ एक अच्छी खासी सेटल हो जाती है। अब सेना को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि हर साल अगर 50 हजार फौजियों को रोटेशन बेसिस के ऊपर भर्ती किया जाता है, तो अगले 10 साल के अंदर भारत के पास में 5 लाख ट्रेंड सोल्जर होंगे। अगर लड़ाई लगी तो आर्मी प्लस जो ट्रेंड सोल्जर है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी आप समझिए कि ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ जो है, ताकत है, वो ट्रेंड होने वाली है। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं उनका टूर ऑफ ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग फिजिकल मेडिकल पास कर चुके, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका टूर ऑफ ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। आगामी जो भर्तियां होंगी उनके लिए भी दोनों ऑप्शन खुले हैं। अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी में जाना चाहें तो टूर ऑफ ड्यूटी में चले जाएं, उसको अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निपथ इसका माध्यम है, और जो लोग परमानेंट जाना चाहें परमानेंट जा सकते हैं। तो दोस्त, ये दुनिया का एक नियम है, बदलाव जरूरी है, सेना में भी बदलाव हो रहा है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फायदा है, साथ के साथ हमारे देश के युवाओं को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेना में केवल इसलिए जाना चाहते हैं कि वो सेना के जीवन को जीना चाहते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेना के जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं तो भी टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से आप जा सकते हैं। अब इसमें बदलाव क्या है, मेन बिंदु क्या है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी में लोग जाएंगे
वो टेक्निकल तो परमानेंट जाएंगे, क्लर्क भी परमानेंट होंगे, यानी जो लोग टेक्निकली और जो क्लर्क के रूप में लोग जा रहे हैं वो परमानेंट होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लर्क को 4 साल की नौकरी के बाद निकाल दिया तो जो उसने सीखा था वो आगे कब काम आएगा। तो एक क्लर्क को तैयार करने में करीब करीब 2 से 2.5 साल तो वैसे ही लग जाते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल के लिए बहुत अपर्याप्त होगा। इसलिए क्लर्क और इसी तरह से जो टेक्निकल है, टेक्निकल को तैयार करने में भी 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो इन लोगों के लिए ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं हो सकती। तो बात समझिए, अब मान लीजिए एक इन्फेंट्री बटालियन में 700 की नफरी है, यानी 700 की स्ट्रेंथ है, 700 फौजी हैं, और उसमें अगर 10 से 15 ट्यूर ऑफ ड्यूटी के सोल्जर हैं तो उससे सेना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रोटेशन बेसिस पे हर साल बदली होते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर ऋषि राज डिफेंस अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो मेरे इसी वीडियो पर आप कमेंट करिए और अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। लेकिन आप लोगों, बहुत से लोग आपको भ्रमित कर रहे होंगे कि 4 साल के लिए फौज में जाएंगे उसके बाद फौज आपको वापस भेज देगी, आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। फालतू के जो सिविलियंस लोग हैं जिनको फौज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है और वो केवल अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए सब काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप उन यूट्यूब चैनल्स को मत फॉलो करिए। आपको जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में, उस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर किए। मैं आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी है, अगर मुझे वो क्वेश्चन पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी सीनियर अथॉरिटीज से, मैंने सेना में नौकरी की हुई है, मैं वहां से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुंचूंगा। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन आपको कभी भी मैं नहीं दूंगा और गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आप अपने करियर को बर्बाद मत कीजिए। दूसरी चीज, हो सकता है कि इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक ये सारी चीजें घोषणा हो जाए, आपका एग्जाम कब होगा, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रोसीजर कब शुरू होगा और सेना की भर्तियां कब कब कहां कहां होगी। तो जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप बिल्कुल भी घर मत बैठिए, क्योंकि अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल गया तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। एक युवा को फिजिकल फिटनेस में तैयार होने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 महीने बाद में यह घोषणा होगी और शॉर्ट नोटिस में भर्ती करवा दी सेना ने, तो आप किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते, आपकी प्रिपरेशन हमेशा होनी चाहिए। दूसरा एक प्रपोजल और चल रहा है सेना में कि रिटर्न एग्जाम को पहले करवाया जाए, तो आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है, रिटर्न एग्जाम पे भी और साथ के साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी। अगर दोनों चीजों पे आपने साथ के साथ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप बाकी लोगों से पिछड़ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप 1-2 साल मेहनत कर लेंगे, जीवन आपका सुधर जाएगा, और अगर आपने ये 1-2 साल आगे आने वाले आपने मस्ती की, आप नशे की लत में रहे, आप गलत रास्ते पे चले, तो आपका जीवन बिगड़ने वाला है, यानी आपका भविष्य अंधकार में है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि प्रत्येक छात्र के मोबाइल में ये वीडियो हो और वो मुझसे किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सके। मुझे कभी कॉल ना करके मुझे व्हाट्सएप करिए, किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9622194452। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मुझसे हाय हेलो करने के बजाय सीधा अपना क्वेश्चन पूछिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर मुझे आंसर जैसे ही मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बने रहिए ऋषि राज डिफेंस अकेडमी कोटपूतली के साथ। जय हिंद।